नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, साथ में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आरओ और एआरओ, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, दोनों ही वैकेंसी एक साथ आने को है। और जब दो वैकेंसी एक साथ हो, लगभग सिलेबस आपका सेम हो, लगभग आपकी तैयारी एक जैसी हो, तो ये आपके लिए और भी खुशी वाली बात हो जाती है और भी आपके लिए थोड़ा सा उत्तेजित करने वाली बात हो जाती है कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा मन और भी लगने लगता है, थोड़ा सा आपको दिलचस्पी और आने लगती है। अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे इस वापो की स्थिति में है कि वैकेंसी कब आएगी, कितने पद लेके आएगी और इसकी तैयारी कैसे होगी, जहां पे यूपीपीएससी का आरओ ईआरओ बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी लेके और बहुत ही टफ परीक्षा मानी जाती है, वहीं पे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ ईआरओ जो होता है कहीं ना कहीं अपने नाम से बदनाम है कि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो दोनों ही तैयारी आपको कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कट ऑफ कितना जाता है, आपके पास रिसोर्सेस क्या होने चाहिए और एक सही मार्गदर्शन जो मेरे द्वारा आपके आपको दिया जा सकता है, वो सब कुछ मैं आपको इस सेशन में देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों को या फिर उन तक जो इसके नेडी हैं पहुंचा अवश्य दीजिएगा इस वीडियो के लिंक। स्टार्ट करते हैं हम लोग आरओ ईआरओ की। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है कि दोनों के लिए लगभग बराबर पोस्ट, 370 से लेकर 375 जो अभी तक सुनने में आ रहा है, जो अधियाचन है, ठीक है, यूपीपीएससी की तरफ से वो आपकी वैकेंसी आ रही है। बहुत सारे लोग इसे मई जून तभी बोल रहे थे कि आ रही वैकेंसी, मैं तब भी आपसे बोल रहा था कि ये वैकेंसी आपकी जुलाई से पहले क्लियर नहीं होने वाली है, उसके कारण भी आप लोग जानते हो, उसे मैं दोबारा ना कहूं तो ज्यादा ठीक है। बट फिर भी जुलाई, अब भी इस जुलाई के लास्ट के बाद ही संभव है, इससे पहले नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वैकेंसी जुलाई में आ जाएगी तब आपको पढ़ना चालू करना है। ये बात मैं आपको तभी बोल रहा था कि जुलाई अगस्त या सितंबर के महीने में आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा आएगी और तब, हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की खबर नहीं थी कि आ रही कि नहीं आ रही है, बट थोड़ा सा आपने सुनने में आ रहा था कि वैकेंसी इसकी आ सकती है। बट अभी ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि अब आपकी आरओ एआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी वैकेंसी आ रही है और इस बार आपके समीक्षा अधिकारी के पद ज्यादा रहने वाले हैं हाईकोर्ट में। वहीं पर अगर यूपीपीएससी में देखा जाए तो एआरओ के पद ज्यादा रहने वाले हैं। दोनों में लगभग सब कुछ सेम है, सिलेबस भी सेम है, इसमें एलिजिबिलिटी भी सेम है, अगर देखा जाए क्वालिफिकेशन भी आपके सेम है। स्लाइटली सा डिफरेंस आपका अगर होता है तो वो है एग्जाम पैटर्न, जहां पे आपका यूपीपीएससी का आरओ एआरओ आयोग करवाता है, यूपीपीएससी करवाता है, वहीं पे आपका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ है वो एनटीए करवाता है। पिछली बार एनटीए के ऊपर बच्चों का विश्वास थोड़ा सा टूटा था, उन्हें यह लगा था कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है या बहुत सारे ऐसे में जिसके कारण से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है। पिछली बार पैटर्न भी बदला था, ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि जो आपकी संस्था होगी वो फिर से होगी तो एनटीए ही 99%। अब देखिए 100% तो मैं भी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि भगवान तो मैं भी नहीं हूं, क्या लास्ट टाइम ये लोग चेंज कर दें, बट 99% का चांस ये है जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि एनटीए होगी। और इस बार एनटीए का जो पेपर कराएगी वो ऑफलाइन करवाएगी। पिछली बार जो पेपर करवाई थी ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, इस बार पेपर ऑफलाइन होगा। और यहां पे देखा जाए ये पेपर तो हमेशा से ऑफलाइन होता आया है, ये भी आपका ऑफलाइन होगा, मतलब पेपर का मोड जो होगा पेन पेपर ओएमआर बेस्ड होगा दोनों का ही, इस बात को समझिएगा। दूसरी बात, यहां पे आपका टाइपिंग होता है, यहां पे आपका टाइपिंग होता है, आरओ और एआरओ दोनों में ही टाइपिंग लिया जाता है, यहां पे भी आपकी टाइपिंग होती है लेकिन केवल एआरओ में की जाती है। समीक्षा अधिकारी पद के लिए किसी टाइपिंग की अनिवार्यता नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहां पे जो क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या उसका समकक्ष यूपीपीएससी के आरओ एआरओ में होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो आरओ के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल कोई नेसेसरी नहीं है, केवल आप ग्रेजुएशन हो यही मोर देन सफिशिएंट है। एआरओ के लिए ओ लेवल या उसके समकक्ष, और समकक्षता की वीडियो एक अलग से बनाई जा चुकी है कि कौन से कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है, उसकी वीडियो के लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा ताकि आपका अतिरिक्त बताने की आवश्यकता ना पड़े आपको। दूसरी बात यह है कि जो यूपीपीएससी होता है वो मैक्सिमम एज 40 तक अलाउ करता है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो होता है वो 35 तक ही मैक्सिमम एज अलाउ करता है। बट इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है कि ग्रेजुएशन
प्लस कंप्यूटर साइंस से डिग्री या डिप्लोमा या फिर ओ लेवल या फिर ट्रिपल सी, और ये आरओ और एआरओ दोनों के लिए सेम होती है, उसके लिए अलग नहीं होती है। इनका पेपर पैटर्न भी सबको सेम होता है, जहां पे इसके लिए एक ही पेपर होता है, यहां पे इनके जो पेपर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अंतर बस इतना सा है। यहां पे भी आपको 3 घंटे पेपर मिलते हैं, यहां पे भी 3 घंटे का होता है, बट ये 3 घंटे अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, 2 घंटे का जीएस 1 घंटे का हिंदी। यहां पे आपको 3 घंटे में आपको पूरे के पूरे क्या करने होते हैं, 200 क्वेश्चन करने होते हैं, यहां पे आपको 2 घंटे में 140 और फिर अगले 1 घंटे में 2 घंटे बाद जो पेपर होता है, बीच में 2 घंटे का गैप होता है, वहां पे आपका क्या होता है, फिर हिंदी 60 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको कवर करना रहता है। तो आपको 180 मिनट टोटल 3 घंटे का पेपर दोनों होते हैं, ये सिंगल सेटिंग में होता है, 2 सेटिंग में होता है, और इसके बाद फिर आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 200 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 200 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, बट इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये आपका केवल और केवल सिंगल पेपर होता है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेज टाइपिंग का होता है। तो थोड़ा सा पैटर्न मैं आपको बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बहुत सारे बच्चे पैटर्न जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके बारे में तो मैं बता दूं, ये हम लोग का जो कोर्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बट पहले उससे जरूरी जो चीजें हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसका आखिर जो फॉर्म डेट है कि कब आ रहा है। तो फॉर्म डेट जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, अगस्त या सितंबर, ये महीना जो है दोनों ही की जो नोटिफिकेशन है वो आप मान के चलो कि अगस्त के नियरेस्ट। अब अगस्त के किधर नियरेस्ट आ रहा है, जुलाई लास्ट में आ रहा है या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आ रहा है, बट अगस्त आप लेके चलो, और ये दोनों ही आपके जो फॉर्म होंगे वो लगभग 8-10 दिन या हो सकता है एक साथ ही है, दोनों आयोग अलग अलग है, दोनों सारी चीजें अलग अलग है, इसलिए कोई इनमें रिलेशन नहीं है कि एक साथ ही आना है या अलग अलग आना है, ये तो बस एक संयोग हो सकता है कि साथ में है, बट इतना मान के चलो कि अगस्त सितंबर महीने में दोनों आगे पीछे, कोई आगे कोई पीछे आएगा, ठीक है। तो यही आपकी फॉर्म डेट होगी, लगभग आपको 1 महीने फॉर्म भरने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसकी एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम डेट से हमें यह डिसाइड करना होता है कि आखिर हमें कितने दिनों तक तैयारी करनी है या कितने दिन में तैयारी करनी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां पे यूपीपीएससी का आरओ एआरओ एक सिविल सेवा परीक्षा होती है, हालांकि पद आपका अगर देखा जाए तो एएससी का भी आरओ एआरओ सिविल सेवा से कम नहीं है, लेकिन इसमें प्री प्लस मेंस का पैटर्न नहीं है, तो जो मेहनत आपको करनी है आरओ एआरओ एएससी के लिए वो एक उसमें करनी है, फिर टाइपिंग करना है, बट यहां पे आपको पहले जीएस हिंदी करना है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, फिर पारंपरिक तरीके से आपको मेंस में हिंदी का देना है, और जीएस तो आपका वही रहेगा। इसका मैं अलग से यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एक पैटर्न का वीडियो बनाया हुआ हूं, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ। तो एग्जाम डेट जो इसकी होगी ये लगभग दिसंबर के महीने में आपका क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है। तो अभी से अगर देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 6 महीने में आरओ एआरओ निकल सकता है। मैं इतना बोलूंगा कि यदि आप बिल्कुल बिगनर हो, अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट ही की है, तो बिगनो तब तो आपका 6 महीने में नहीं निकलेगा। उसका कारण यह है कि दोनों ही परीक्षाओं में बैठने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत धुरंधर होते हैं, क्योंकि उनका सालों का सपना होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5-5, 6-6 साल से तैयारी करते हैं, और 5-5, 6-6 साल एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि फिर कंपटीशन लेवल क्या होता है। दूसरी बात कि हर बार देखा जाए तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इस बार यूपीपीएससी ने क्या किया है कि ओ लेवल के समकक्ष बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को अलाउ कर दिया, इस कारण से इस बार जो फॉर्म, हर बार 5 लाख 4.5 लाख फॉर्म पड़ते थे, इस बार फॉर्म की संख्या 8-9 लाख भी हो सकती है, मतलब जस्ट दूना फॉर्म पड़ सकते हैं यूपीपीएससी ने, तो कॉम्पिटिशन लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो 6 महीने में तैयारी, अगर बिगिनर्स हो तब तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ इससे पहले आप किसी वनडे एग्जाम को क्रैक किए हो या वनडे एग्जाम की तैयारी किए हो या फिर आपको इतना पता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत बेसिक, मतलब 0 ना हो बट 10 में से 2 हो, तो आपके 6 महीने में आराम से निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है कि आपके पास जो रणनीति है स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए कि क्या आपका टाइम टेबल है, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। दूसरी बात, आप जो पढ़ रहे हो वो रिसोर्सेस आपके पास बहुत ही क्वालिटेटिव होना चाहिए। मैंने देखा है आज के समय में बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो ग्रेविटी उनके पास खुद नहीं है और आरओ एआरओ की तैयारी करवाना शुरू करते हैं या करने लगते हैं, है ना। वही जो आपके जनरल टीचर होते हैं, वनडे के टीचर होते हैं, उनसे आप क्लासेस करवाने लगते हो, या फिर आपके पास वही जो घिसा पिटा मटेरियल, जनरली मैं देखा हूं कि यूट्यूब पे केवल लाइव क्लासेस का फॉर्मेट चलता है। मैं आपको बता दूं कि आरओ एआरओ चाहे यूपीपीएससी का हो या फिर एएससी का हो, नो डाउट यूपीपीएससी का आरओ एआरओ हाईकोर्ट के आरओ एआरओ से ज्यादा टफ है,
लेकिन अगर मैं कट ऑफ की डिस्कशन करूंगा तो हाईकोर्ट का आर ओ आर ओ निकालना इम्पॉसिबल सा लगता है बहुत सारे बच्चों को, उसको मैं अलग से वीडियो में जिक्र करूंगा दोनों को कंपेयर करते हुए। बट ऐसा आप समझो कि इसको निकालने के लिए केवल आपकी लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस से नहीं निकलता, इसमें हमारी मेहनत कम आपकी मेहनत ज्यादा होती है। लेकिन हमारी मेहनत कहाँ होती है, हमें आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन देना और सही रिसोर्सेस, ये जो मैं रिसोर्सेस कंटेंट की बात कर रहा हूँ ये अवेलेबल कराना। आप देखते हो यूपीपीएससी का आर ओ आर ओ आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है, उसके बाद पारंपरिक भी होता है। पारंपरिक एकदम सिर्फ कन्वेंशनल, मतलब कि आपका सब्जेक्टिव हिंदी में जब आप जाओगे तो हिंदी में मेंस में 120 क्वेश्चन का आपका जीएस होगा और उसके बाद फिर आपका 30 क्वेश्चन 60 नंबर का क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक है 30 नंबर का। और ये जो हिंदी होगी वो पारंपरिक तरीके की होगी, क्या होगी पारंपरिक, वहां पे आपको पत्र लेखन पत्र लिख करना पड़ेगा, आपका निबंध लेखन वहां पे होगा, तो बहुत सारी चीजें वहां की आपको राइट करना पड़ेगा, केवल टिक या गोला नहीं भरना पड़ेगा, ओएमआर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपकी तैयारी अलग लेवल की होनी चाहिए। और दोनों की इसकी प्रारंभिक परीक्षा और हाईकोर्ट आर ओ आर ओ की मुख्य परीक्षा, उसके बाद टाइपिंग होनी है, दोनों दिसंबर में होगी। लेकिन आपका यूपीपीएससी में वो केवल प्रीलिम्स है, उसका नंबर नहीं जुड़ना है, फिर आपको इसमें फिर वही पेपर देना है, मतलब जीएस और हिंदी देना है और दूसरे तरीके से देना है, तो वो आपका करीबन 2 या 3 महीने का गैप मिलकर मतलब मार्च में आपका होगा और लगभग मार्च तक हो सकता है इसका क्या आ जाए, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ लगभग आपके अभी से लेके एक साल या अगले मार्च या अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट यूपीपीएससी में आपको ज्वाइनिंग होते होते मान के चलिए कि 2024 का सितंबर अक्टूबर लग जाएगा, अगर बहुत तेज कराएगा तो, और इस बार यूपीपीएससी पूरे मोड में है कि करा लेगा। तो एग्जाम डेट और आपकी ज्वाइनिंग तक मैं सबको समझा दिया हूं। ओ लेवल की समकक्षता के लिए ये केवल यूपीपीएससी के लिए अलाउ है, क्योंकि वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ के पास ओ लेवल हो या ट्रिपल सी हो या फिर कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा हो, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा हो या फिर आपका क्या हो डिग्री हो, तो आप अलाउ हो। यहाँ पे ओ लेवल की समकक्ष होने सारी डिग्रियां हैं, उसकी लिंक में इस वीडियो में लगा दिया हूं। टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए मैं अगले स्लाइड में आपको चर्चा करूंगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब आपके लिए ये इतना सब कुछ समझ लो तो हमें तैयारी कैसे करें, तो मैंने बोला तैयारी करने के लिए आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए, साथ में रिसोर्सेज बहुत बेहतरीन होने चाहिए। जैसे अगर मैं अभी डीम परीक्षा प्लस की ही बात करूं तो आपके अलग अलग, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए पूरा अलग कंटेंट डेवलप कर रही है, साथ में ही अगर आप देखोगे तो ये यूपीपीएससी आर ओ आर ओ के लिए हर पार्ट सिलेबस में जो भी है उसके लिए अलग कंटेंट डेवलप कर रही है। एक बार हम लोग सिलेबस पे देख लेते हैं, सिलेबस दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम है, सिलेबस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट क्वेश्चन पूछे जाने के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे अभी मैं आपको यूपीपीएससी आर ओ आर ओ का सिलेबस दिखाऊं तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजव्यवस्था अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नवीकरण, सेंसस या पॉपुलेशन, विश्व एवं भारत का भूगोल, ठीक है, समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये जनरल रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन होते हैं, और यूपी स्पेशल जो पिछली बार तो पूछा था, बट कई बार क्या होता है नहीं पूछता है, बट आर ओ आर ओ में यूपी स्पेशल मान के चलिए पूछता ही पूछता है। दूसरा प्रश्न आपके 6 पार्ट हिंदी होते हैं जिसमें 3 जनरली बुक है पार्ट का, जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम तत्व, 3 थोड़ा सा ग्रामर जैसे विशेषण विशेष, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द और वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि, 1 शब्दों के लिए अनेक शब्द भी आपका वोकैब पार्ट में ही काउंट कर सकते हो। यह आपका सिलेबस जनरली किसका है, यह आपका सिलेबस जो है ये सिलेबस आपका यूपीपीएससी आर ओ आर ओ का है। और अगर मैं आपको एससी आर ओ आर ओ के सिलेबस को दिखाऊं तो वो भी सेम चीज है, सेम है आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, सेम टॉपिक आपको मिलेंगे। उसमें आपको लास्ट में 2 टॉपिक अलग से आ गया, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी और आपका कंप्यूटर, ये 2 टॉपिक अलग है। और इसमें जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में लगभग 20 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर में और 10-10 क्वेश्चन लगभग हिंदी और इंग्लिश में, ये आपके अतिरिक्त पूछे जाते हैं। अतिरिक्त पूछे जाते हैं कहने का मतलब यहाँ पे टोटल जो पेपर होता है ये 200 नंबर का होता है, तो 10-10, 20, 20, 40 आपका वही हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया। वहां पे जीएस 140 ही होता है यूपीपीएससी के आर ओ आर ओ में, बाकी 60 क्वेश्चन हिंदी होता है, तो हिंदी वहां पे थोड़ा ज्यादा यूपीपीएससी आर ओ आर ओ में टफ पूछता है। यहाँ पे हिंदी में आपको सामान्य हिंदी पूछेगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा। ये अभी 2022 से पैटर्न बदला है, इससे पहले अंग्रेजी 50 नंबर की होती थी, तो आर ओ आर ओ में बच्चे अक्सर घबराते थे, बट अब आर ओ आर ओ इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी घबराने वाला सीन नहीं रह गया अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली।
पिछली बार इसका जो कट ऑफ था वो 250 नंबर में से करीबन 230 225 प्लस गया था। इसमें बहुत सारे बच्चे टाइपिंग की गलती भी किए थे क्योंकि उस बार टाइपिंग का सॉफ्टवेयर ही एकदम अलग था और वो अलग तरीके से किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर में, इसी कारण से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। बट उसे आप केवल इसका नाम नहीं दे सकते हो कि वो धांधली हुई थी। एग्जाम कोई भी हो 10% 20% धांधली सब में होती है। मान के चलो कि अगर आपके पास 350 पोस्ट है तो आप उसमें से 70 पोस्ट निकाल दो, आपके पास केवल 230-240 पोस्ट में ही आप लड़ने जा रहे हो, बाकी तो आप मान के चलो कि वो आपके लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर हेरफेर होता रहता है हर वैकेंसी में, तो वो आज से नहीं बहुत पहले से चलता हुआ चला आ रहा है। सिलेबस दोनों का सेम है, ये चीज अगर आपने देख लिया होगा। सिलेबस अगर आप देख लेते हो तो मैं आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूं जो आपको यहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाएगा। जैसे मैंने बोला कि तीन परीक्षा प्लस आपको एक एक पार्ट के लिए, वो चाहे आपको उत्तर प्रदेश विशेष हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, भूगोल हो जिसमें भारत और विश्व दोनों सम्मिलित है, भारतीय इतिहास हो, कृषि एवं पर्यावरण का अलग दे दिया है, सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग का अलग कर दिया है, जनसंख्या एवं नगरीकरण का अलग कर दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का अलग टॉपिक पूरा कर दिया है, और हिंदी के जो आपके 6 टॉपिक होंगे उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस उन पे आधारित और उन क्वेश्चन का संकलन बहुत विधिवत तरीके से हिंदी में भी आपको दिया जा रहा है। साथ में ही ये जो आपका यूपीपीएससी आरओआरओ है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका बेसिकली प्रीकम मेंस, इसकी जो तैयारी आपको करवाई जा रही है ये प्रीकम मेंस बेसिस पे करवाई जा रही है। अब प्रीकम मेंस में क्यों करवाई जा रही है बताता हूं। प्री में आपका जीएस 140 है, प्री में आपका जीएस 140 है, मेंस में आपका 120 है। वही हिंदी आपकी यहां पे 60 क्वेश्चन पूछ रहा है, 30 आपका यहां पे भी पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जीएस भी सेम है, हिंदी भी सिलेबस सेम है, बस यहां पे 6 टॉपिक है, यहां पे केवल 5 टॉपिक है। मेंस में आपका केवल एस्से मतलब कि निबंध हो गया, ये थोड़ा सा आपको अलग लेके जाता है, जो नंबर अलग से काउंट होते हैं, बाकी सब कुछ लगभग सेम है, बस यहां पे आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है, यहां पे आपका पारंपरिक है। तो जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते हो तो अल्टीमेटली आपकी 80% जो तैयारी हो रही होती है वो मेंस की भी हो रही होती है। थोड़ा सा निबंध और थोड़ा सा पारंपरिक तरीके से प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो आपका मेंस भी आसानी से निकल सकता है। लेकिन जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम पहले प्रीलिम्स निकाल लें फिर मेंस निकाल लें, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या लास्ट में हो जाती है, लास्ट के 1-2 महीने में, जिस हिसाब से यूपीपीएससी ने पिछले 2 सालों से गति अपनी प्राप्त की है कि 1-2 महीने में मेंस करवा लेती है। तो इतनी राइटिंग की प्रैक्टिस या तो आप 2-3 साल से दे रहे हो तो फिर आपके लिए ठीक है, वरना क्या होता है कि 2-3 महीने में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इस कारण से क्या होता है आरओ एआरओ में रह जाते हैं। तो इसीलिए परीक्षा प्लस क्या कर रही है कि अभी आपका प्रीलिम्स पे 80% फोकस करके और 20% मेंस पे फोकस करवाएगी, इसलिए क्योंकि जो आपका नॉलेज होगा वो तो आपका 80% नहीं पे कवर होगा, जो एक्स्ट्रा 20% है ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाएगी। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब कि आपसे जैसे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके हाइब्रिड टाइप में बैच चलेगा, हाइब्रिड मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव और वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस तो दिया जाएगा, साथ में ही आपको जैसे पर्यायवाची शब्द हैं तो उनको लिखने के लिए आपको डेली बेसिस पे टेस्ट दिया जाएगा, विलोम को लिखने के लिए डेली बेसिस पे टेस्ट दिया जाएगा, पत्र लेखन पे थोड़ा बहुत आपको डेली लिखवाया जाएगा। तो धीरे धीरे मतलब कि 10-20% की मेहनत कि यहां पे जब जाओ तो अचानक से मेहनत आपके ऊपर ना आ जाए, वो पूरा आपको प्रीकम मेंस बैच में हाइब्रिड मोड में पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी यूपीपीएससी आरओआरओ बैच में। यूपी और एएससी आरओआरओ में तो आपका जो पैटर्न जीएस का चलता है वो वही चलेगा, उसमें आपका सब्जेक्टिव टाइप में नहीं करवाया जाएगा। तो ये जो आपको तैयारी में बोला था ना कि कैसे तैयारी करें, उसके लिए आपके पास एक तो रिसोर्सेस अच्छे होने चाहिए, रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस में आता क्या है, देखो तैयारी आप कहीं से भी करो, आप परीक्षा प्लस से जुड़ो, आप सेल्फ स्टडी करो, या आप किसी भी संस्था से जुड़ो जिस पे आपको विश्वास है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप जहां भी जुड़ो वहां पे 2-3 चीज, क्योंकि आप दूध पीते बच्चे नहीं हो जो मैं आपको समझाऊं कि नहीं बेटा ये सही है ये गलत है, आप खुद भी इस चीज को समझ सकते हो। कुछ चीजें आपको आकलन करना है, जैसे जो आपको क्लासेस हो रही है, जो क्लासेस हो रही है वो क्लासेस कहीं ऐसा तो नहीं आपको केवल फैक्चुअल बेसिस पे कराई जा रही है, वो क्लासेस ऐसा तो नहीं कि केवल आपका सिलेबस कवर कराया जा रहा है। क्लासेस में आपको मार्गदर्शन दे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट बेस पे हो, ये क्लासेस कॉन्सेप्ट बेस पे हो, क्योंकि यूपीपीएससी का भी अगर आप देखोगे हाल फिलहाल में और एएससी का भी देखोगे, दोनों ही जो फॉलो कर रही है वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है,
और एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठा रही है, उनके जो येलो बॉक्सेस, रेड बॉक्सेस, पिंक बॉक्सेस होते हैं या फिर उनके जो कंटेक्स्ट होते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करता है फ्रेम किए जा रहे हैं और वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक क्लियर करते हुए, जो ये क्लासेस आपकी होनी चाहिए, क्लासेस में आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे, ये होना चाहिए। साथ में जो आपके बुक्स हैं, ये बुक्स ऐसा तो नहीं कि बहुत इरेलेवेंट होती, जैसे एक बात समझना, आजकल अगर आप देखोगे बहुत सारे कोचिंग दावा करती है जैसे कोई पेपर होता है, वैसे अक्सर सोशल मीडिया इतना हो गया कि हकीकत सबकी बताने लगी है। देखती हूँ कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारे नोट से सब कुछ फंस गया, हमारे नोट से फंस गया। एक बात बताओ, मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको 1000 पेज का भूगोल का नोट्स दे दूं, ठीक है, 1000 पेज का भूगोल का नोट्स दे दूं और मैं 100 पेज की भूगोल का नोट्स दे दूं, मैं इस 100 पेज में आपके पेपर का 80% क्वेश्चन कवर करा दूं जो एग्जाम में पूछा जाए इस 100 पेज में। मैं अतिशोक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, फंसाने को तो मैं 100% भी कर दूंगा, बट 80% की बात कर रहा हूं, और इस 1000 पेज में मैं 90% कर पाऊं। आप मुझे बताओ कौन सा नोट्स ज्यादा बेहतर है? नो डाउट ये 100 पेज वाला भूगोल का नोट्स ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पास समय इतना कम है कि आप 1000 पेज केवल पढ़ नहीं पाओगे, और अगर पढ़ भी लोगे तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवाइज भी कर लोगे तो एक बार देख पाओगे, जबकि सिलेक्शन के लिए आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, लर्न करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है, मतलब लर्न करना है, फिर रिवाइज करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है एंड अगेन रिवाइज करना है। ये जब स्टेप में आप चलते हो ना तब आपका सिलेक्शन होता है, मतलब रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए, मैं कोई काउंट नहीं बताऊंगा 2-3-4 बार। ये आप एक किताब पढ़ो, एक नोट्स पढ़ो, जिन्हें नोट्स पढ़ो अच्छे पढ़ो, जिसमें सारे फैक्ट, सारे डेटा, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ आपके सही दिए हो, लेकिन उसे बार बार पढ़ो। 10 किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझना। तो कूड़ा कंटेंट मत पढ़ो, इलेवेंट मत पढ़ो, कंटेंट वो पढ़ो जो आपके लिए कंक्रीट और सॉलिड हो, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ में ही अगर आप केवल घटना चक्र की जो पूर्वलोकन किताबें आती ना, आप उन्हें अच्छे से लगा लोगे तो आपकी 40-50% आपका सिलेबस या क्वेश्चन आपके उसी घटना चक्र प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। लेकिन 60-70% कर लेने से सिलेक्शन नहीं हो जाता, 60-70% 80% तक सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, 60-65% जो ऊपर के जो 10-20 नंबर होते हैं ना, उसी में सबकी क्या होती है, आफत आती है। क्यों? क्योंकि वो तो पूर्वलोकन से कवर हो गया, बट वो 10-20 नंबर सबके लिए एक एक नंबर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमें उसी 10-20 नंबर पे क्या करना है, मेहनत करना है। आपकी क्लासेस या फिर आपके रिसोर्सेस ऐसे होने चाहिए। साथ में ही आपको टेस्ट या प्रैक्टिस साथ में करते चलो, ये आपको देखते हुए चलना है। तो अगर इतना आप कर ले तो नो डाउट कि आपका सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो जाओगे, बाकी आपकी प्रतिभा पे डिपेंड करता है और जिसके साथ जुड़े उसके साथ। हाँ, ये बात है कि निश्चित रूप से अगर आप परीक्षा प्लस के साथ जुड़ते हो तो परीक्षा प्लस एक कंप्रेहेंसिव वे में इसका बैच चला रही है। मैं आपको इसके डिटेल्स दे देता हूं बैच के, जैसे मैंने आपको बताया RO प्रीकम मेंस ये ऑनलाइन कोर्स है, UPPSC और इलाहाबाद हाईकोर्ट हम लोग दोनों का ही क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसके अगर आप फीचर देख लो, इसके फीचर देख लो तो दोनों में ही इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, और ये लाइव प्लस जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस है, मैं आपको बता दूं कि ये सारी क्लासेस आपकी पहले लाइव होंगी, डेली बेसिस पे 2-3 क्लासेस होंगी, जैसे भूगोल का हो गया, आपकी राज्य व्यवस्था की हो गई, आपकी अर्थव्यवस्था की हो गई, साथ में हिंदी भी लेके चला जाएगा यूपीपीएससी के लिए। इसके लिए तो एक GS हो गया, कंप्यूटर हो गया, जहां से ज्यादा पार्ट आते हैं उनको कवर किया जाएगा। तो लाइव और लाइव के बाद उसी क्लासेस की रिकॉर्डेड आपके ऐप पे रहेगी कि आप उसे मल्टीपल टाइम देख सकते हो, आप 1 की स्पीड, 2 की स्पीड, 3 की स्पीड, 4 की स्पीड में देख सकते हो, मतलब कि टेक्नोलॉजिकली भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फीचर दिया जा रहा है। सभी क्लास की जो बोर्ड वाले नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये सारी कोचिंग बहुत फीचर्स अपना जोड़ती है, ये भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास कुछ जाता नहीं, इसलिए हम आपको इसमें दे देंगे। दूसरी बात, मेंस है तो प्रतिदिन पारंपरिक टेस्ट, यही मैं आपको बोला था, एक हाइब्रिड टाइप में बैच चलाया जाएगा कि अभी से ही आपको स्लाइटली 20% की मेहनत करते हुए, जैसे आपको विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, आपका जो विशेषण विशेषण हो गया, या फिर वर्तनीय शुद्धि हो गई, या फिर पत्र लेखन हो गया, या फिर थोड़ा बहुत बीच बीच में सेकंड सैटरडे या जैसे भी होगा सेकंड संडे को आपको निबंध लेखन, ये थोड़ा थोड़ा आपको वार्म अप बेसिस पे कराया जाएगा। अद्यतन पाठ्यक्रम पर आधारित सभी की बुकलेट्स मिलेंगी जो मैंने आपको अभी दिखा दिया, ठीक है, PDF फॉर्म में। टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, सभी टेस्ट के व्याख्यात्मक हल की PDF भी आपको दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त 1000 प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें GS के MCQ और ऐसे ही आपकी हिंदी के MCQ मिला के लगभग 2500 प्लस MCQs के आपको PDF दिए जाएंगे, और व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं समाधान, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दी जाएंगे। बस इसमें तरीका ये हाइब्रिड मोड रहेगा, यहाँ पे आपका टोटल क्या होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला ही बैच रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल टाइपिंग होता है, अन्य कुछ नहीं होता है। तो अगर आप बैच से जुड़ना चाह रहे हो, इसकी प्राइस में बता दूं, इसकी प्राइस अभी
डिस्काउंट 80% से भी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। इसकी 1199 प्लस जीएसटी और इसकी 999 प्लस जीएसटी, क्योंकि ये प्रीक्लम मेंस है। बाकी सिलेबस सबका सेम है, मेहनत भी सबकी सेम है, लगभग पढ़ना भी तरीका है, बस पूछने का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है। तो वो अलग बात है कि पैटर्न क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, पढ़ना तो आपको एक ही चीज है। तो एक ही तैयारी में अगर आप दो चीज के लिए एलिजिबल हो पाओ तो ज्यादा बेटर है, एक ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 350 मतलब टोटल आपके पास 800 पोस्ट आर ओ आर ओ के हैं, आप उसे 350 क्यों देख रहे हो, 800 पोस्ट जो देखो, तो इस हिसाब से आपके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 1200 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, जिसमें आपको क्लासेस भी, नोट्स भी, प्रैक्टिस टेस्ट भी सब कुछ। इसके अतिरिक्त हम लोग आपको कंप्रेहेंसिव जो टेस्ट सीरीज होगा वो दोनों के ही अलग अलग निकालेंगे, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट हमने आपको क्या कर दिया है कि आपको जो टॉपिक टेस्ट है वो इसमें इंक्लूड कर दिया है। बाकी किताबें मैंने आपको दे दिया, जिनको लेना है वो प्ले स्टोर पे जाइए, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। अभी ये ऑफर में है, 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, 10 जुलाई के बाद इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये बैच अपने अपने रियल प्राइस पे 1-5 हजार और 1-4 हजार की प्राइस पे आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत रिलेवेंट कंटेंट, बहुत ही मेहनत। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदी आपके अरुण सर करीबन 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने का। उसके बाद जीएस में अगर देखा जाए तो जीएस में मैं आपको भूगोल खुद पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री आपको आशीष सर पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो राज्य व्यवस्था आपको रमन सर पढ़ा रहे होंगे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ा रहा हूँ, कृषि रमन सर पढ़ा रहे होंगे, और भी ऐसे जो अन्य टीचर हैं वो आपको जीएस और हिंदी में मिलकर पढ़ा रहे होंगे। इसमें जैसे आपका जो अलाहाबाद हाईकोर्ट वाला है उसमें इंग्लिश आपको सर्वीस सर पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा है। कंप्यूटर आपको आशीष पाठक सर पढ़ा रहे होंगे। तो अलग अलग फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ पे, जो आपका साइंस पार्ट है वो आपको अनिकेत सर कवर करा रहे होंगे। तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग टीचर्स आपको यहाँ पे, लगभग 5 से 6 टीचर आपको इस पूरे बैच में देखने को मिलेंगे। जबरदस्त कंटेंट है आपके लिए, जबरदस्त आपके लिए टेस्ट है। तो उम्मीद है यह आपके लिए एक सफलता का एक प्रारूप बन सकता है। अगर आप हमारे बताए हुए चल लिए तो निश्चित रूप से आपका सफलता निश्चित है। बाकी एक बात मैं आपको क्लियर करूं, कोई ये बोले ना कि नहीं मेरे दम पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं भाई नहीं बोलूंगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा, सर 350 पद आए तो क्या हुआ, मेरे लिए तो 349 पद है क्योंकि एक सीट मेरी कंफर्म है। जब इस एटीट्यूड के साथ आप पढ़ाई करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा, और यकीनन ये सिलेक्शन आपको खुद से वादा करके, मुझसे वादा करके, मेहनत करके। हम आपको रिसोर्स नंबर एक का देने का वादा करते हैं, उसके लिए एश्योर कराते हैं। हम आपको ये एश्योर कराते हैं कि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न होंगे वो आपकी इसी क्लासेस से, इसी नोट्स से पूछे जाएंगे, वो भले ही घुमा के पूछे जाएं बट आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। वहां पे आपको एश्योर कराते हैं कि वो बाहर नहीं रहेगा। हम आपको ये एश्योर कराते हैं कि आपकी मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं रखेंगे, हम आपके लिए दिन रात खड़े रहेंगे। लेकिन आप ये मुझसे बोलो कि सर आप हमारी जगह पे पढ़ लो, पेपर दे आओ, तो भैया वो हम नहीं कर सकते। पढ़ के और नौकरी लेना, सिलेक्शन लेना, ये आपके हाथ में, वो आपकी लगन, आपकी जज्बा और आपकी मेहनत, आपका परसिवरेंस ये बताएगा कि आप सफल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। बट अगर फॉलो कर लिए तो इस बात की गारंटी है कि अगर खुद से वादा कर लिए, हमसे वादा कर लिए और हमारे बताने अनुसार चल लिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने का आश्वासन हम आपको दिलाते हैं, एश्योर कराते हैं, और इसी हिसाब से हम लोग आपके कोर्सेज को आगे भी बढ़ाएंगे। तो चलिए इस सेशन में बस इतना ही। यदि इसके बाद भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपके सारे समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्लासेस इसकी 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, तो लेट मत करिए, बैच से जुड़ जाइए या आपका जो भी कहीं जुड़ना चाहे तो वहां जुड़ जाइए, बट अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।